जैसा कि आज सभी लोग हम लोग सीखने वाले हैं कि मैंने आपको पहली क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का किस तरीके से यूज किया जाता है, और एसी डीसी क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, और बैटरी में कितना एम्पीयर का चार्जर देना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने आपको समझा हुआ था। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मल्टीमीटर के बारे में, ये जो हमारा मल्टीमीटर होता है इसको किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे हम मोबाइल फोन को इसके द्वारा चेक करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या करते हैं मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर को मैंने शॉर्टकट में बताया हुआ MM। मल्टीमीटर क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? MM। मल्टीमीटर में अगर आप देखेंगे तो मल्टीमीटर दो टाइप के आते हैं। एक तो मल्टीमीटर आपका आता है एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा मल्टीमीटर आता है डिजिटल। कौन सा मल्टीमीटर आता है? डिजिटल। एक एनालॉग मल्टीमीटर आता है, दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर आता है। हम लोग जो मोबाइल फोन में यूज करते हैं वो हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कि डिजिटल मल्टीमीटर में क्या रहती है, एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है, और जो भी सारी चीज़ों को चेक करते हैं तो उसमें फिक्स वैल्यू आती है, मतलब प्रॉपर वैल्यू आती है, इसलिए हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर में अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज का इस तरीके का निशान बना होता है। तो कल की वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि इस तरीके का निशान बना होता है तो इसका मतलब ये रहता है कि एसी वोल्टेज, इस तरीके का निशान बना तो एसी वोल्टेज। अगर आप डी के इस तरीके का निशान बना हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं डीसी वोल्टेज, और ये इस तरीके का निशान बना होता है तो इसे हम लोग डायोड रेंज बोलते हैं, और इस तरीके का निशान बना होता है तो इसे हम लोग बजर बोलते हैं, और इस तरीके का निशान बना होता है तो इसे हम लोग ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम पॉइंट बोलते हैं। तो ये हमारे मल्टीमीटर का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो आप मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट करेंगे, यदि आप मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पर सेट करेंगे, डायोड रेंज सेट करना है तो यहाँ पर चेक करेंगे, और बजर पॉइंट चेक करना है तो यहाँ पर चेक करेंगे, ओम सेट करना है तो यहाँ पर चेक करना है। इस तरीके से आपको मल्टीमीटर को ऑपरेट करना है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका मल्टीमीटर बना हुआ है, इतना मल्टीमीटर बना हुआ है। इस मल्टीमीटर में देखेंगे तो ये आपकी पूरे मल्टीमीटर इस तरीके से सेफ खुल जाती है। ये आपका मार्केट में मल्टीमीटर मिल जाता है, इसका पूरा फोटो पिक बना हुआ है। इस मल्टीमीटर में देखेंगे ये वाली डिस्प्ले जो होती है इसे हम लोग सेवन सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सात डॉट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सात डॉट से मिलकर के इसमें कनेक्टर बनते हैं, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। ये आपका ऑफ का पॉइंट होता है। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का निशान बना हुआ है तो ये आपका एसी वोल्टेज दिया हुआ है। उसमें अगर आप देखेंगे ये ए का निशान बना हुआ है, ए का मतलब आपका एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी पॉइंट। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूटी पॉइंट। उसके बाद ये वाला आपको ओम का निशान बना हुआ है तो यहाँ पर रजिस्टर चेक करते हैं, यहाँ पर ओम पॉइंट बोलते हैं। ये आपका ऐसा निशान बना हुआ है तो इसे हम लोग डीसी वोल्टेज बोलते हैं। तो ये मैंने आपको मल्टीमीटर को चलाना बताया। मल्टीमीटर में यहाँ पर कॉमन लिखा होता है तो कॉमन का मतलब होता है हम लोग ब्लैक वायर को लगाएंगे। यहाँ पर वी लिखा है तो वी का मतलब होता है वोल्टेज, यहाँ पर हम प्लस वायर को लगाएंगे। अगर हमको एम्पियर चेक करना है तो एम्पियर के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये मैंने आपको मल्टीमीटर को शॉर्टकट में मैंने आपको चलाना बताया है। अब देखिए इसको हम जनरली कैसे चलाएंगे। देखिए ये हमारे पास आ गया, हमने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, चालू किया। ये आपका 750 का पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए हम लोग इसकी दोनों प्रोब को लेंगे, दोनों प्रोब को क्या करेंगे, आप इसमें लाइट में ऐसे लगा देंगे, 250 वोल्टेज बता रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एसी वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर आपका एम्पियर चेक होगा, यहाँ पर आपका बीप पॉइंट आता है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बोर्ड आता है, बोर्ड के अंदर किसी भी सर्किट को आप ऐसे चेक करेंगे तो अगर चेक करने पर बीप देता है तो बीप देने का मतलब ये रहता है ये आपस में जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये वाला ओम पॉइंट्स आता है, इसे हम बोलते हैं डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज का मतलब होता है यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चेक करते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर को हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हमने आपको मल्टीमीटर के एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बताया है। अब हम बात करेंगे कि मोबाइल फोन में जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट मैं आपको बताता हूँ, बेसिक में रजिस्टर। बेसिक के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर हमारे मोबाइल फोन में बहुत छोटा सा पार्ट लगा होता है
देखिए कैसे चेक करेंगे, या एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है, या एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। इसका काम क्या रहता है, मोबाइल फोन में सप्लाई को कम करना, ये क्या काम करता है, करंट को कम करता है। अब हम बात करेंगे रियल शेप। रियल शेप का मतलब होता है बनावट, वो दिखता कैसा है। रजिस्टर जो रहता है साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसे हम लोग बोलते हैं HVR। HVR का मतलब होता है हाई वैल्यू रजिस्टर। उसके बाद सेकंड आपका आता है ये साइड में सिल्वर होता है, बीच में नंबर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, बीच में नंबर लिखा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं LVR। LVR का पूरा नाम होता है लो वैल्यू रजिस्टर। LVR का पूरा नाम क्या रहता है, लो वैल्यू रजिस्टर। ये साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, इसमें नंबर लिखा होता है। एक और आपका रजिस्टर आता है, ये साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा मोटा होता है। ये क्या होता है, इससे ब्लैक कलर का जो HVR होता है उससे हल्का सा मोटा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं VDR। VDR का पूरा नाम होता है वेरिएबल डिपेंड रजिस्टर। VDR का पूरा नाम होता है वेरिएबल डिपेंड रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या काम करता है कि हमेशा जो भी बोर्ड होते हैं उस बोर्ड में से पैरेलल में लगा होता है, ये सप्लाई को ऑटोमेटिकली कम करता है या ज़्यादा करता है। ये सिर्फ सप्लाई को कम करेगा, ये ज़्यादा नहीं करता, मतलब सप्लाई को कम करता है, मतलब सर्किट के हिसाब से, मतलब या तो बहुत कम करेगा या थोड़ा ज़्यादा जरूरत कम करनी पड़ेगी तो और ज़्यादा करंट को कम कर सकता है, तो ये वैल्यू को एडजस्ट करता है। जैसे आपके फैन में लगा होता है कि फैन में हम लोग क्या काम करते हैं, फैन को धीमा कर लेते हैं या तेज कर लेते हैं, तेज नहीं करते, मतलब उसका जितना करंट होता है उतना ही उसको दे देते हैं, तो वो कम ज़्यादा करने का काम करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं VDR। ये हमारे फोन में ये रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, दिखने में तीनों अलग अलग साइड दिखते हैं, और जो ब्लैक कलर के, वैसे मोबाइल फोन में ब्लैक कलर के सबसे ज़्यादा मोबाइल फोन में पाए जाते हैं, और HVR जो होते हैं 1, 2, 3 या करके लगे होते हैं। इसका इसमें लिखा होता है R22। R22 का मतलब होता है, इसका वैल्यू का मतलब होता है, जैसे R22 लिखा है तो R22 का मतलब होता है, R का मतलब होता है 0.22। अगर यहाँ पर R22 की जगह पर अगर कंपनी ने लिख दिया 3R3 तो इसका मतलब होता है 3.3 ओम। अगर यहाँ पर K लिख दिया तो K का मतलब होता है किलो, तो इसकी फिर जो वैल्यू हो जाएगी ये 3.3 किलो ओम। ये सब साइज की वैल्यू को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, मतलब जहाँ पर पॉइंट आर के लिखा होता है तो इसका मतलब ये रहता है कि वो दशमलव, यहाँ पर बीच में आर लिखा होगा या के लिखा होगा या तो फिर ई लिखा होता है। अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी मैं आपको चेक कराऊंगा कि किस तरीके से इसको हम टेस्टिंग करेंगे। इसका डिनोटिंग लेटर जो रहता है, इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है आर होता है। इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, आर होता है। सिंबल, इसका सिंबल जो होता है इस तरीके का होता है, ये इसका क्या होता है सिंबल। इसका वर्क होता है सप्लाई कम करना, इसका काम होता है सप्लाई को कम करना, इसका काम होता है मोबाइल फोन में करंट को कम करना। अब बात करते हैं इसका यूनिट का, इसका यूनिट जो होता है ओम होता है, पहले इसको जो हम लोग यूनिट मतलब नापने का जो इकाई होता है उसे बोलते हैं ओम बोलते हैं। अब आपका ओम होता है, किलो ओम होता है या मेगा ओम होता है। ओम का मतलब होता है सिंगल जीरो, किलो ओम का मतलब होता है 3 जीरो, मेगा ओम का मतलब होता है 6 जीरो।
तो ये आपका मेगा ओम बन जाता है। तो इस तरीके से ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने के क्या होता है, दो तरीके होते हैं। एक तो पहला तरीका होता है मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे या बीप दे तो ओके। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे या बीप दे, चेक करने पर क्या देगा, वैल्यू देगा या बीप देगा तो ओके। फॉल्टी कुछ ना दे तो खराब है। अगर आप इसे बी पॉइंट पर सेट करेंगे, चेक करेंगे मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करके चेक करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे या बीप दे तो सही है, कुछ ना देगा तो खराब है। क्या नहीं देगा, कुछ नहीं देता तो ये खराब है। एक तो पहली टेस्टिंग इसकी ये हो जाती है। इसकी दूसरी टेस्टिंग होती है जो प्रॉपर टेस्टिंग होती है, मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे तो ओके। मल्टीमीटर को बी पॉइंट ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे तो ओके। फॉल्टी कुछ ना दे तो खराब है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं देता तो क्या है, खराब है। तो ये हम क्या काम करते हैं, ये दो तरह की टेस्टिंग होती है। कि मान लिया आपने पहली बार तो रजिस्टर को आपने कहाँ पर चेक किया, बी पॉइंट पर चेक किया, कहाँ पर चेक किया, ये बी पॉइंट पर चेक किया, यहाँ पर बी पॉइंट पर रजिस्टर को चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि आप ओम पॉइंट पर चेक करेंगे, कहाँ पर चेक करेंगे, ओम पॉइंट पर चेक करेंगे। अगर यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू बताएगा तो सही है, वैल्यू नहीं बताएगा तो खराब है। अब देखिए इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग, एक बोर्ड आया है, इस बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे रजिस्टर को चेक कैसे करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको बी पॉइंट पर चेक करना सिखाता हूँ। बी पॉइंट पर चेक करने के बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए अगर आप देखेंगे ये मोबाइल फोन में जैसे ब्लैक कलर का लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का जो छोटा सा लगा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। देखिए आप गौर से देखेंगे काला काला जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है इसे हम लोग बोलेंगे रजिस्टर। देखिए मैं आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए ये फोन में जो ब्लैक कलर के जितने भी छोटे छोटे लगे हुए हैं ये सारे आपके क्या हैं, रजिस्टर हैं। अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये ब्लैक कलर के जितने भी छोटे छोटे लगे हुए हैं ये सारे हमारे क्या हैं, रजिस्टर हैं। आप देखिए ये जैसे ये अगर आप देखेंगे ये छोटा सा लगा हुआ इसे हम बोलते हैं LVR। क्या बोलते हैं हम लोग, LVR। LVR का मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर।
और ये जो छोटे छोटे काले से ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे से लगे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं HVR यानी हाई वैल्यू रजिस्टर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बी पॉइंट पर चेक करते हैं। यहाँ देखिए ये बीप आ रही है, अगर आप इसको दिखाएंगे आप देखिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, छोटा सा ब्लैक कलर का लगा हुआ इसको हम चेक करेंगे, ये देखिए वैल्यू देगा, बीप दे रहा है, बीप दे रहा है, वैल्यू दे रहा है तो सही है, ओके। अब अगर इसी को चाहो तो ओम पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, 200 ओम पे सेट करिए, फिर यहाँ देखिए वैल्यू आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2000 पे चेक करेंगे, ये देखिए ये आपकी वैल्यू बता रहा है, मतलब इसकी जितनी वैल्यू होगी वो वैल्यू बताएगा। अगर ये वैल्यू दिखाता है तो सही है, वैल्यू नहीं दिखाता तो ख़राब है। जैसे आपने इसको चेक किया ये वैल्यू नहीं बता रहा, हो सकता है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, आपने क्या किया 2000 पे लगाया, फिर आपने चेक किया, अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 9.9। अब इसकी वैल्यू 9.9 किलो ओम है तो हम 2000 पे कहाँ पर बनाएगा, जाहिर सी बात इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको कम ज़्यादा करके चेक करते हैं। तो ये हमारे फ़ोन में मैंने आपको बताया ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे सारे जितने लगे होते हैं ये सारे रजिस्टर लगे होते हैं। ये रजिस्टर का काम क्या होता है, सप्लाई को कम करना। ये जिस भी ट्रैक में लगा होगा इसका सिर्फ ये एक ही काम होगा, ये करंट को कम करेगा। क्या काम करेगा, करंट को कम करेगा, ये इसका मेन काम है। आपने सब लोगों ने देखा कि हमने रजिस्टर के टॉपिक के बारे में समझा है और मैंने आपको मल्टीमीटर को चलाना बताया है। इसी तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप, कल की क्लास आपकी थर्ड होगी, एक एक करके क्लास में हम आपको पूरा सारा टॉपिक एक एक करके सारे चीज समझाएंगे। आज वीडियो को देखिए, समझिए और आगे शेयर करिए ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चले और एक आप अच्छे टेक्नीशियन बन सके और अच्छा काम कर सके। दूसरी बात क्या है, जिस किसी भी पर्सन को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी अच्छा काम करना है, बेहतर काम करना है, या आपको रिपेयरिंग करनी है, चाहे मोबाइल फ़ोन का बोर्ड ले लो या कंप्यूटर लैपटॉप का बोर्ड ले लो, किसी भी चीज़ का बोर्ड ले लो, जब तक आपको उसके अंदर के जो पार्ट्स पुर्जे लगे होते हैं अगर आपको उसका नॉलेज नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कभी ज़िंदगी में बेहतर काम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं बेहतर काम कर सकते, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो समझ लीजिए आप रिपेयरिंग किसकी करेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं जो आपके काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात कहता हूँ, आपके बोर्ड में जैसे लगा हुआ है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास फोन के अंदर क्या दिया होता है, कैसे रजिस्टर काम करता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात है, ये आपका एंटीना लगा हुआ है, इस एंटीने के लाइन में कंपनी ने यहाँ पर ऐसे छोटा सा रजिस्टर लगा रखा है, फिर आपका ये एंटीना लगा हुआ है, अभी आपका सप्लाई यहाँ पर आएगी, फिर रजिस्टर से होते हुए तब यहाँ पर आएगी। अगर आपका रजिस्टर खराब हो जाएगा तो ये सिग्नल इधर को नहीं आएगा, जब सिग्नल आपका इधर नहीं आएगा तो आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रजिस्टर को चेंज कर दीजिए, या रजिस्टर को हटा करके आप जम्पर भी लगा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर आप जम्पर उसी कंडीशन पर लगा सकते हैं जो रजिस्टर की वैल्यू कम होती है। जो ऐसे रजिस्टर जो सप्लाई को सिर्फ पास करने का काम करते हैं, जो फ्यूजिबल टाइप के होते हैं, या उनकी वैल्यू मुझे लगता है कि 0 से लेकर 50, 80 या 100 तक होती है, तो आप उसमें जम्पर लगा सकते हैं, या उससे ज़्यादा वैल्यू होगा तो आप जम्पर नहीं लगा सकते। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या है, अगर आप बोर्ड में देखेंगे, जब आप सिमेट्रिक को रीड करते हैं, ये बात करते हैं सिंबल की, जो आपके मोबाइल फोन के अंदर ऐसे सिंबल पाया जाता है, ये सिंबल जो होता है ये आपको सिमेट्रिक में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलता है, सिमेटिक में देखने को मिलता है, मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। एक सैमसंग का J1 कंपनी का मोबाइल फ़ोन का बोर्ड का दिया हुआ है, जैसे आप गौर से देखेंगे ये देखिए, मैं आपको इसके सिंबल दिखाता हूँ, ये बोर्ड में लगे होते हैं जो हमारे सप्लाई को कम करने का काम करते हैं। जैसे सर आप देखेंगे ये लगा हुआ है, ये देखिए ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये इसका क्या दिया हुआ है, ये इसका सिंबल है। तो ये आपके कोई भी मोबाइल फ़ोन की जो सप्लाई होती है, जहाँ पर करंट की कम करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर रजिस्टर लगाए जाते हैं। रजिस्टर का बहुत अच्छा उपयोग होता है, एक छोटा सा रजिस्टर ख़राब हो जाता है तो हो सकता है कि आपका एक सेट डेड हो जाए या कोई भी एक लाइन ब्रेक हो जाए। जैसे आप देखेंगे ये कि ये ICD हुई है,
इस आईसी से करंट निकल रहा है, इस कैपेसिटर पर फिल्टर हुआ, फिर उसके बाद रजिस्टर के द्वारा आगे चला गया। ये वीडीडी लाइन है, 1.8 वोल्ट निकल रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा निकल रहे हैं, एक रेजिस्टेंस के द्वारा निकल रहे हैं। अगर आपका ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगा तो ये वोल्टेज इधर को नहीं जाएंगे, तो आपका प्रॉब्लम आएगा। तो ये जैसे रजिस्टर लगा होता है, इस तरीके से रजिस्टर आपके सर्किट में लगे होते हैं, बोर्ड में लगे होते हैं, जो प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या काम करते हैं, रिपेयर करते हैं। कि जैसा कि आज मैंने आपको रिटेन दिखाया हुआ है, इस चीज़ को आप क्या करिए, अपने कॉपी में सारे स्टेंट लेके करके नोट करें, समझें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अपना ये नंबर दिया हुआ 6391711711, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप इसे एक मैसेज कर दीजिए जिससे आप एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे। एक ग्रुप में जुड़ने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको नई नई टेक्नोलॉजी या नई नई जानकारी या कोई और भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको पर्टिकुलर वे में आपको मिलती रहेंगे। थैंक यू सर।